हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर पे है, वीर सावरकर। अपने अगर आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ठीक है। बीजेपी या फिर जो कह लो कि RSS है वो वीर सावरकर जी को सपोर्ट करती है और कांग्रेस और बाकी सब जो हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं। अभी जब इनको हमारा जो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो देने की बात की जा रही थी तब भी काफ़ी मतलब अपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस वगैरह उन्होंने काफ़ी अपोज किया था। अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर तो है, चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली में इनकी क्या स्टोरी थी और ये सही में इतने मतलब जैसा कि कांग्रेस वाला बोलते हैं कि ये देश के गद्दार थे, ठीक है, ये मतलब इनको वो दर्जा नहीं मिलना चाहिए जो महात्मा गांधी जी को मिलता है। तो आज इस पूरी वीडियो जो है इसी पे है। हम इस वीडियो को देखने के बाद फिर करेंगे बात कि उनको वो दर्जा जो महात्मा गांधी जी को मिला हुआ है वैसा ही दर्जा उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और वो सही में जो कांग्रेस जो मानती है वीर सावरकर जी के बारे में वो सही है या फिर वो सिर्फ ऐसी जो है पॉलिटिक्स करती है जो कांग्रेस और जो बाकी जो पार्टीज हैं, ठीक है, जो बीजेपी के मतलब जो अलायंस नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले तो मानते ही हैं। तो ये है वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपना चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो यूट्यूब का जो बेल आइकन मिलता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम जो है पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है वीडियो, और ये रहा वीडियो। वीर सावरकर या कायर सावरकर, जाति न मानने वाले सावरकर या हिंदुत्व के नाम पर भड़काने वाले सावरकर, देशभक्त या देशद्रोही, हमारे देश में इनसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर शायद ही कोई है। तो चलो आज कंट्रोवर्सी को एंड करते हैं। टुडे वी गोना टेल यू सम थिंग्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री दैट हैव बीन हिडन फ्रॉम यू। सो अगर आप हमसे अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये सच लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में सावरकर तो विनायक थे। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर वीर सावरकर के बारे में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी आर्टिकल्स हैं। हिज रियलिटी इज कम्प्लीटली इन द डार्क। सावरकर कौन थे ये बताने के लायक मैं नहीं। तो लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ विनायक। कोइंसिडेंटली आज उनका बर्थडे, एंड इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स आई विल टेल यू हु ही वाज। विनायक दामोदर सावरकर, ही वाज अ पोएट। इफ यू आर मराठी यू मस्ट हैव रेड सम ऑफ हिज पोएम्स। चेक आउट दिस वन ऑन YouTube, इट इज माय फेवरेट। ही वाज अ चित्पवन ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र। But he didn't think Hinduism was a religion at all. Wait, I'm confused. एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि हिंदू एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है। Yes, he believed that Hinduism is a way of life and that religion is a Western concept. He started dining with all of his friends who were considered lower caste in those times. He even opened a temple in Maharashtra where people from every caste were welcome. And this man was the most wanted criminal by the British. His crime was his weapon. उन्होंने सबसे खतरनाक weapon उठाया था। His weapon wasn't a gun. His weapon was his pen. हमारे विनायक में अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लिखी, कविताएं लिखी, books लिखी, लेकिन बात सिर्फ एक चीज के बारे में होती है, कैसे उन्होंने एक माफीनामा लिखा। Actual situation क्या था? He was the first to recognize that the 1857 uprising was not a mutiny. He was the first to ask for Purna Swaraj, total independence. Vinayak was a sharp student. He got a scholarship to go to London and get a law degree from there. Aur yahan se story shuru hoti hai India House ki. It was the center of political activism against the British in their own home, London. Madam Kama, V.N. Chatterjee, Lala Hardayal and many other revolutionaries stayed over here, including Vinayak. यहाँ पर ये सारे क्रांतिकारी इटालियन आयरिश क्रांतिकारियों से इंस्पिरेशन लेते थे, उनको स्टडी करते थे, उनसे सीखते थे। The British were always scared of the 1857 uprising because they knew that if the armed forces revolted again, they would not be able to win. Vinayak realized that the British were trying to hide facts from the public. He wrote the book The Indian War of Independence 1857. ये book
आगे जाकर हर क्रांतिकारी की गाइड बुक बनी, इंक्लूडिंग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड इवन सुभाष चंद्र बोस। ही वाज सप्लाइंग गन्स टू इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड व्हेन मदनलाल धींगरा शॉट कर्स इन वाइली, विनायक वाज अरेस्टेड। दिस इज द सेम पर्सन जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने उनकी हिस्ट्री में सबसे ब्रूटल सजा दी थी, 2 life sentences of 25 years back to back in Andaman's cellular jail. Life in cellular jail was nothing short of living hell. His term started with 6 months of solitary confinement. You can't talk to anyone, but you can only look at other prisoners being hung to death. During the day, the prisoners would have to extract coconut and mustard oil using a machine like this. हर प्रिजनर का एक डेली कोटा होता था। अगर वो कोटा कंप्लीट नहीं हुआ तो एक पनिशमेंट मिलती। And you know the worst part? जेल में भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था। ऑल द जेलर्स वर ईदर ब्रिटिश और दे वर पठान्स। प्रिजनर्स ओवर देयर वर गेटिंग कन्वर्टेड। उनको छोटे छोटे काम करने के लिए भी ब्राइब देनी पड़ती थी। इवन टॉयलेट जाने के लिए ब्राइब देनी पड़ती थी। इवन इन दीज इनसफरेबल कंडीशंस, विनायक न्यू दैट इट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू गेट आउट सो दैट ही कुड हेल्प द कंट्री। ही न्यू दैट ही इज यूजलेस फॉर द कंट्री इफ ही इज इन प्रिजन, एंड दैट्स व्हाई ही रोट पिटीशन सो दैट ही कुड गेट आउट। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, उनके साथी प्रिजनर्स के लिए भी। जेल में भी लोग उनको बड़े बाबू कहते थे, उनको अपना लीडर मानते थे। He was a barrister. He knew his rights. He never asked for mercy. He wrote to understand his status as a prisoner. Even prisoners have rights. He did whatever he could to get out. Not for his own good, but for the good of the country. अगर ये facts जाने बगैर हम उनको कायर करार दे देंगे, तो फिर ये सजा काला पानी की सजा से भी ज़्यादा बुरी होगी। विनायक was in काला पानी, in conditions that we can't even imagine, and still, even over there, he remained true to himself. पूरे दिन के लिए मेहनत करने के बाद, मार खाने के बाद, he would return to his cell and do the thing that he does the best. He would write poetry, because that's who he was. He was a poet. लेकिन उनके इस राइटिंग के बारे में कभी बात नहीं होती। बात होती है तो उनके माफीनामे के बारे में, ऐसे क्राइम्स के बारे में जिनके लिए कोर्ट ने भी उन्हें इनोसेंट कहा था। इंडिया में एक सिस्टम है, we have been told again and again that we got our independence without going for a war against the British. Actually, there was a war, an underground war. While we have chapters about ahimsa, non-cooperation and satyagraha, Bhagat Singh, Bose aur Dhingra jaise log sirf ek punchline ban gaye, kho gaye. Ek 5 minute ka video unki complete life to cover nahi kar sakta, lekin ek conversation zarur start kar sakta. Ek aisa kaam jo hamare history textbooks nahi karte. And that's what I want to do right now. I want to use today's medium to start a conversation about the real India. Will you help me in that? So comment below, which other Indian should we make a video about next? India House, where Vinayak stayed in London, still has a board that calls him a patriot and a philosopher. Lekin aaj bhi hum Indians unki sachchai ko dekh nahi paaye. Jaise poetry ko samajhne ke liye thodi maturity lagti hai, waise hi unko samajhne ke liye bhi thodi maturity lagti hai. Because after all, he was a poet and his life was his greatest poem. ये वीडियो है और इस वीडियो का भी ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको शेयर कीजिए हर जगह पे और देखिए भी, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि एक्चुअल में वीर सावरकर जी थे कौन। देखिए, वीर सावरकर जी के बारे में मैं एक बात तो पक्की है, उनकी हिस्ट्री को हमेशा मैनिपुलेट करके और इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो विलन दिखें। एक्चुअली हमारी बॉक्स ही कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि हमारी जो एक्चुअल में हीरो से उनको नहीं बताया जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए हमारी हिस्ट्री के बुक्स में आपको कितना ज़्यादा जिक्र मिलेगा महात्मा गांधी जी का। उनका एक एक इवेंट को अच्छे से कवर किया गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, इंडिया में कब आए, ठीक है, कब फिर इंडिया के बाद उन्होंने जो भी मूवमेंट शुरू करी, जो कुछ भी किया, सब अच्छे से कवर किया जाता है। वो ठीक है, कवर करना भी चाहिए, उन्होंने भी देश के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका जितना कंट्रीब्यूशन था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, पर प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी के फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या, उनके बारे में हार्डली कुछ जो है एक आध लाइन लिख के बात ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लो ये भगत सिंह जी की। अब भगत सिंह जी की कुछ इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, ठीक है, और हर किसी के लिए उनके लिए रिस्पेक्ट भी है, पर आप अगर हिस्ट्री की कुछ खोल के देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा उनके बारे में। ये मिलेगा कि उन्होंने जो वो असेंबली में ये बम फोड़ा था, फिर उनके बाद उसको मतलब उनको जेल हो गई थी, फिर फांसी हो गई थी, बस काम ख़त्म।
ये आपको छोटा सा एक पैराग्राफ मिलेगा, काम ख़त्म। बाकी उनकी क्या थिंकिंग थी, ठीक है, वो कितने अच्छे रीडर थे, उनको कितनी मतलब कितनी तरह के उनको लैंग्वेजेस मतलब आती थी वो नहीं बताई जाएगी। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे, वीर सावरकर जी भी, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, और ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं, ये आते हैं मॉडरेट्स में, और हमारी पूरी हिस्ट्री सिर्फ मॉडरेट्स के बारे में ही घूमती जाती है। एक्सट्रीमिस्ट का जिक्र बहुत कम होता है, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र बहुत कम होता है, ठीक है। ये तो ये हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए। अब वैसे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर एक क्वेश्चन है जो हमेशा से, जब मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया, वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो तब ये मालूम पड़ा कि तब मैं सोचता था कि सारी हिस्ट्री मॉडरेट्स के अराउंड ही क्यों जो है ये घूमती जाती है, मतलब जवाहरलाल नेहरू के अराउंड और महात्मा गांधी जी के अराउंड, क्योंकि हमारी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट से नहीं बनता था, सबको पता है अगर हम थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी की पूरी हमारी हिस्ट्री की बुक्स कांग्रेस ने के रूल में बनी हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको भी ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। इवन मुग़लों का बहुत जिक्र है हमारी जो बुक्स हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुग़ल भी हिस्ट्री का पार्ट हैं, वो आए थे यहाँ, काफ़ी ज़्यादा राज किया है, वो ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है तो उनके बारे में भी जो बताना चाहिए, पर बाकी सब कहाँ है? चोलास के बारे में नहीं बताया जाएगा आपको, ठीक है, और ये शिवाजी महाराज हैं उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, जो इतने अच्छे अच्छे और भी रूलर हैं उनके बारे में कोई खास जिक्र नहीं मिलेगा आपको, मुश्किल से एक आध पैरे में बात ख़त्म कर दी जाएगी, और बाकी जो हैं मुगल्स के बारे में या फिर जो मॉडरेट्स हैं इनके बारे में आपको पूरे पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री को सही में दोबारा से थोड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस वे में मतलब हर चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, रीडर्स को डिसाइड करने दो कि वो क्या वो ये किसके बारे में क्या सोचते हैं। अब आप किसी एक चीज़, अब सपोज करो कि दो बंदे हैं, आप एक चीज़ के मतलब एक बंदे के बारे में ही से बातें करने जा रहे हो, उसको ही अच्छा दिखा रहे हो, और दूसरे बंदे के बारे में आपको ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है ना, पढ़ने वाला तो इस पहले बंदे को ही जो है अच्छा समझेगा। दोनों के बारे में बताओ, फिर रीडर्स को डिसाइड करने दो कि भाई कौन क्या था, कौन इतना महान था और नहीं था। तो ये इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, हिस्ट्री को सही करने की ज़रूरत तो है, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कितना ज़्यादा हमें अपने हिस्ट्री को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और किन किन के बारे में जानना चाहिए जो लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो, बाय बाय।